दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी तुरंत मिलती रहें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एसआरजे पर। देश के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भारत में वृहद हाई स्पीड ट्रेन का जाल बिछ रहा है, जिसमें कि काशी अर्थात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की मुख्य भूमिका भी सामने आ रही है। भारत में कुल 8 मार्गों पर बुलेट ट्रेन प्रस्तावित है एवं नई दिल्ली से वाराणसी के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन वह दूसरा मार्ग है जहां पर कार्य अब तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, या सरल शब्दों में कहें तो कार्य प्रारंभ हो रहा है। बता दें कि देश की पहली बुलेट ट्रेन अर्थात मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर हाई स्पीड कॉरिडोर की सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर टेंडर भी पास किया जा चुका है। वहीं अब नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात NHSRCL ने भारतीय रेल मंत्रालय को दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना की DPR अर्थात डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंप दी है। यह रूट 865 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहर सम्मिलित होंगे। वहीं यदि मार्ग में पड़ने वाले शहरों की जानकारी दें तो बता दें कि DVHSR अर्थात दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के सर्वेक्षण में कई शहरों को जोड़ा गया है। नोएडा से प्रारंभ होकर मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, अयोध्या, प्रयागराज, भदोही एवं वाराणसी में यह कॉरिडोर समाप्त हो जाएगा। अतः हाई स्पीड कॉरिडोर में अब उत्तर प्रदेश की 4 धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर अर्थात मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज एवं काशी के जुड़ने से कार्य की प्रगति और भी गतिमान हो गई है। यही कारण है कि रेल मंत्रालय ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को लीडार तकनीकी से सर्वेक्षण को अनुमति भी दे दी है। महत्वपूर्ण है कि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए DPR पिछले 29 अक्टूबर को रेल मंत्रालय को सौंप दी गई थी एवं अब DPR के बाद लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग अर्थात लीडार के सर्वे के माध्यम से एक फाइनल रिपोर्ट सज्ज किया जाना है। लीडार तकनीकी की जानकारी देने से पहले इस नए प्रस्तावित रूट की जानकारी दें तो बता दें कि यह बुलेट ट्रेन दिल्ली अर्थात राष्ट्रीय राजधानी को नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से होते हुए मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, अयोध्या, प्रयागराज, भदोही एवं वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ेगा एवं यह पहले के प्रस्तावित मार्ग पर पड़ने वाले शहरों से अधिक भी है। DPR में इन रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने की व्यवहारिकता का अध्ययन किया जा रहा है, जिनमें की जमीन की मांग और यात्रियों की संख्या जैसे विषय सम्मिलित हैं। इस अध्ययन के पश्चात रेलवे विभाग निर्णय को अंतिम स्वरूप देगा। पिछले दिनों ही NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था, जो इस प्रक्रिया को आगे ले जाएगी। अब यदि प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट अर्थात जमीनी सर्वेक्षण की जानकारी दें तो आपको बता दें कि लीडार तकनीकी के माध्यम से नई दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सर्वेक्षण होगा तथा इसके लिए एक हेलीकॉप्टर पर लगे लेजर युक्त उपकरण वाली लीडार तकनीकी का प्रयोग होगा। लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग अर्थात लीडार तकनीकी का प्रयोग इससे पहले मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में पहली बार सफलतापूर्वक उच्च सटीकता के लिए किया गया था। इस गलियारे के लिए हवाई लीडार का उपयोग करके जमीनी सर्वेक्षण केवल 12 हफ्तों में पूरा कर लिया गया था। वहीं यदि पारंपरिक व्यवस्था में यह कार्य पूर्ण हुआ होता तो इस कार्य को पूर्ण होने में वर्षों का समय लग जाता। बता दें कि लीडार तकनीकी में बहुत कम समय में डिजिटल स्वरूप में हाई क्वालिटी डेटा मिलता है और इस डेटा का प्रयोग सड़कों, नहरों, भूतल परिवहन, शहर नियोजन, भूस्खलन, सिंचाई आदि से संबंधित अनेकों परियोजनाओं में किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि एक हेलीकॉप्टर पर लगे उपकरण के माध्यम से डेटा संग्रह चरणबद्ध योजना, यदि मौसम स्थिति सामान्य रही तो 13 दिसंबर से नई दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन के अलाइनमेंट का कार्य लीडार तकनीकी के माध्यम से शुरू हो जाएगा, जिसके लिए हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय से अपेक्षित अनुमति भी मिल गई है और विमान एवं उपकरणों का निरीक्षण चल रहा है, क्योंकि प्रस्तावित वाराणसी नई दिल्ली कॉरिडोर में बहुत चुनौतियां भी हैं, जैसे कि इनमें घनी जनसंख्या वाले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र, राजमार्ग, सड़क, नदियां, खेत आदि सम्मिलित हैं, जो इस गतिविधि को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। इस मुख्य कारण से
NHSRCL ने लीडार तकनीकी अपनाने का निर्णय किया है, जिसमें यह जानकारी मिलेगी कि रास्ता कैसा है, कहां पर नदी और नाले हैं और कहां पर घनी बस्तियां हैं, रूट कितना टेढ़ा मेढ़ा है और कितना सीधा है, इन रूटों पर कितनी नदियां हैं और किस तरह की जमीन है, रूट पर कितने बिल्डिंग हैं एवं कितने टावर हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई कैसी है, इनकी भी जानकारी मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि इस सर्वे को गति प्रदान करने के उद्देश्य से ही सर्वे एरियल लिडार तकनीकी से किया जाना है, जो कि संभवतः कुछ ही सप्ताह में पूर्ण हो जाएगा। अन्यथा परंपरागत तरीके से यदि किया जाता तो इसमें 10 से 12 महीने भी लग सकते थे। जानकारी के लिए बता दें कि इस बुलेट ट्रेन की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ऑपरेशनल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा तथा औसत गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तथा लागत लगभग 1,21,000 करोड़ रुपए आएगी। वहीं यदि इस नई दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन के मेजर रूट की जानकारी दें तो आपको बता दें कि इसका ट्रैक यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तथा गंगा एक्सप्रेसवे के लगभग समानांतर होगा। बता दें कि एक्सप्रेसवे के किनारे पहले से ही जमीन अधिग्रहित है, इसलिए ट्रैक के लिए भूमि की उपलब्धता में अब किसी प्रकार की अड़चन पैदा भी नहीं होगी। वहीं यदि सब कुछ सही रहा तो आने वाले समय में दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट 20 मिनट में तथा पूर्वांचल के लोग मात्र 3 घंटे में ही दिल्ली तक की यात्रा पूर्ण कर सकेंगे। यह भी महत्वपूर्ण है कि नई दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन के माध्यम से अब रामलला, बांके बिहारी एवं काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ साथ संगम नगरी का भी एक सीधा संपर्क हो जाएगा, जो कि यात्रियों के साथ साथ दर्शनार्थियों के लिए भी विशेष होगा। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं वीडियो के विषय में यदि कोई सुझाव हो तो वह भी अवश्य बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव। We'll be right back.